आज मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा बच्चा। हा, तेरा पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन आप उसका बदला मुझसे क्यों ले रहे हैं? बचाओ। मर गया बच्चा, इसका बाप अब मर जाएगा ये जान करके उसका बच्चा नहीं रहा। अरे गाइस बचाओ कोई मुझे। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब। अरे बाप रे गाइस प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे दोस्तों मेरी फैमिली को क्या होगा जब उनको पता चलेगा उनका बेटा मर गया। लेकिन अभी मैं मरा नहीं, आप मुझे अभी बचा सकते हैं वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी से किसी को बुलाओ, किसी सुपर हीरो को, कोई तो मदद करो। ये किसकी आवाज आ रही है मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे ये तो कोई छोटा बच्चा है, कोई तो बचाओ मुझे। अरे बच्चे मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, चिंता मत करो। क्या हो गया तुम्हें? अरे अंकल जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मेरी सर बहुत चकरा रहा है, असल में बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिरा हूँ। असल में तुझे फेंका गया या तू गिरा है खुद से? असल में मुझे रेड हल्क ने फेंका है क्योंकि मेरे पापा पर उसके कुछ पैसे हैं, उस वजह से वो मुझे जान से मारना चाहता है। वो मेरे पापा को सजा देना चाहता है, वो भी मेरे जरिए। ऐसी बात है बच्चे, फिर तो तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चल तू मेरे साथ अभी। लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं तुझे आज बनाऊंगा किड आयरन स्पाइडर। ये क्या होता है सर बताएंगे? असल में तू सिर्फ स्पाइडर मैन ही नहीं आयरन मैन भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो तू चिंता मत कर, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ। अरे दोस्तों ये स्पाइडर मैन सर जो है मुझे किड आयरन स्पाइडर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे बनूंगा मैं? अरे एक मिनट, ये तो मशहूर टोनी स्टार्क का स्टार्क मैनसन है। हाँ बच्चे सही कहा, ये मशहूर टोनी स्टार्क का टोनी स्टार्क मैनसन है और असल में अब यहाँ का मालिक मैं हूँ। अरे सर एक बात तो बताइए, इतने बड़े मैंशन में आप करते क्या है? मतलब जरूरत क्या है यहाँ पर अकेले रहने की? हाँ तो बच्चे मैं तुझे इसलिए तो लेकर आया हूँ। पहले ये बताइए कि असल में आप मुझे कैसे किड आयरन स्पाइडर बनाएंगे? बच्चे उसके लिए सबसे पहले तुझे लोगों की मदद चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा बताइए? बस ये लोगों को तेरी मदद करनी होगी, तुझे सपोर्ट करना होगा। हाँ ठीक है, ये गाइस मुझे सपोर्ट करेंगे। हाँ तो तेरी पहली ट्रेनिंग ये है कि तुझे इस दीवार पर चढ़ना होगा। लेकिन आप पागल हो गए क्या? मैं कैसे चढ़ूंगा इस दीवार पर? ये तो बहुत ही चिकनी दीवार है, मैं छोटा सा बच्चा। अच्छा मैं तुझे अभी चढ़कर दिखाता हूँ, देख कैसे चढ़ते हैं। देख मैं इस तरह से आगे जा रहा हूँ और ये देख कैसे चढ़ गया मैं, देखा तूने? अरे वाह आप तो बिल्कुल रोबोट की तरह चढ़ गए, पता भी नहीं चला। असल में मैं इंसान नहीं हूँ, मैं रोबोट ही हूँ। क्या मतलब? तभी सोचूं आपकी आवाज इतनी बदली बदली कैसे है? क्योंकि स्पाइडरमैन भैया तो खुद छोटे से बच्चे हैं। चलो गाइस हम भी चढ़कर देखते हैं। अरे ये क्या? बच्चे तुझे जल्दी करनी होगी नहीं तो तेरे पीछे मैं जानवर छोड़ दूंगा। किस तरह के जानवर? बिल्ली बिल्ली छोड़ेंगे क्या? नहीं डरता मैं बिल्ली से, कुत्ते से कोई बात नहीं गाइस, लेकिन मैं यहाँ नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा आयरन स्पाइडर। अरे ये क्या? अरे स्पाइडरमैन भैया ये क्या क्या आपने तो मेरे पीछे शेर ही छोड़ दिए। ठीक है चढ़ रहा हूँ चढ़ रहा हूँ। बच्चे तुझे जल्दी करनी होगी। हाँ ठीक है ना। गाइस ये क्या? एक मिनट गाइस, ये डर के चक्कर में तो मैं ऊपर चढ़ाया, क्या बात है। अरे देखिए स्पाइडरमैन भैया मैं कैसे उड़ रहा हूँ। अरे मजा आया क्या दोस्तों? मुझे लगता है मैं आयरन स्पाइडर बन सकता हूँ। नहीं बच्चे फिलहाल के लिए तू ओनली स्पाइडरमैन बनेगा, उसके लिए मैं तेरी और भी ट्रेनिंग कराऊंगा। वैसे एक बात बताइए सर जी, आप मुझे आयरन स्पाइडर क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे कि आज के बाद कोई भी रेड हल्क जैसा विलन तुझे परेशान न कर पाए। मेरा काम इसीलिए है, मैं इसीलिए प्रोग्राम किया गया हूँ तुम जैसे लावारिस बच्चों की मदद करना। ओह ऐसी बात है, वैसे आपको डिजाइन किसने किया है? मुझे पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है। तभी सोचूं क्यों मुझे आयरन स्पाइडर बनाना चाहते हैं। तो मेरा दूसरा टास्क ये है गाइस कि असल में जो ये कमाल के बोर्ड आपको दिख रहे हैं, आप सब सोच रहे होंगे मुझे इन पे निशाना लगाना होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे असल में इन पे चढ़ना होगा, स्विंग कर करके एक बोर्ड पे चढ़ना होगा। हाँ बच्चे तू काफी समझदार है। बिल्कुल समझदार तो हूँ गई। अरे वाह फिलहाल मेरे पास स्पाइडरमैन की शक्तियां हैं, तो मैं इनका यूज करके अपने टास्क पूरे कर पाऊंगा। चलो दोस्तों इस वाले पे चढ़ना। ये अरे दोस्तों ये क्या फेल हो गया? अरे जल्दी चली जाऊंगा नहीं तो मेरे पीछे पता नहीं इस बार कौन सा जानवर छोड़ देंगे। हाँ शुक्र है गाइस मैं ऊपर आ गया फिर से। चलो जल्दी आराम से, ठीक है ये वाला और बचा है, चलो जल्दी। हाँ शुक्र है गाइस मैंने सारे बोर्ड क्लियर कर दिए हैं, अब जल्दी जाते हैं स्पाइडरमैन भैया के पास और उनको बताते हैं मैंने साम कर दिया है। आराम से आराम से। ये फाइनली मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, मेरे हिसाब से अब हम तुम्हारे टास्क को और अपग्रेड करते हैं, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में आयरन मैन की पावर्स भी लेनी है और तब जाके तुम बन पाओगे गॉड आयरन स्पाइडर किड। अच्छा समझ गया मैं। तो गाइस अब असल में ये मुझे बता रहे हैं किस तरह से उड़ना है, पता नहीं मैं उड़ भी पाऊंगा या नहीं। बच्चे मेरी बात सुनो, ये टास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। पता नहीं मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। नहीं तो तुम्हारे पीछे जंगली कुत्ते से उड़ दूंगा। आवाज़ आ रही है ना कुत्तों की? हाँ आवाज़ तो आ रही है कुत्तों की, लेकिन काफ़ी डर लग रहा है मुझे। ठीक है
जल्दी जल्दी चलता हूँ। अगर गाइज मैंने ये वाला टास्क पूरा ना किया तो इस बार जंगली कुत्ते छोड़ेंगे मेरे पीछे, इसलिए टास्क तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। बच्चे मेरे पास एक आइडिया है। बताइए क्या आइडिया है। असल में मैं तुझे इतनी ऊंचाई से फेंकूंगा कि तेरा डर तेरी पावर्स को खुद से खुद ऊंचाई लेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिलहाल जो भी है आप करवा दीजिए। ठीक है मैं तुझे मेज बैंक लेके चलता हूँ। अरे दोस्तों ये मुझे मेज बैंक क्यों ले जा रहे हैं? एक मिनट, क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप मुझे यहाँ से फेंकेंगे? हाँ बच्चे, असल में मैं तुझे यहाँ से मारूंगा फेंक के, और उसके बाद तुझे नीचे गिरने से पहले अपनी पावर्स एक्टिवेट करनी होगी। अगर नहीं कर पाया तो तू यहीं कहीं मर भी सकता है। अरे मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मैं स्कूल में पढ़ाई कर लूंगा, मुझे कोई इंस्पायर नहीं बनना। माफ करना बच्चे, तुझे जाना होगा। फेंक दिया मुझे। अरे गाइस यार ये पागल हो गया, कैसा रोबोट आयरन स्पाइडर है। एक मिनट ये क्या, अरे वाह, एक मिनट मेरी बॉडी के अंदर से ये किस तरह की रिपल्सिव पावर्स निकल रही है, मैं तोड़ पा रहा हूँ, क्या बात है, मैं इसे क्यों फील कर पा रहा हूँ जिससे मैं आयरन मैन बन चुका हूँ। मजा आ गया। अरे देखिए स्पाइडरमैन भैया, देखा मैं कितना टैलेंटेड हूँ। हाँ बच्चे दिख रहा है तू कितना टैलेंटेड है, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहने का क्या मतलब है आपका? असल में हमारे लॉस सैंटोस में कैसी गैंग है जो कभी भी नहीं चाहेगी कि तू आयरन स्पाइडर बन जाए, इसलिए इससे पहले उन्हें पता चले कि तू आयरन स्पाइडर बन गया उन्हें खत्म कर दे। ऐसी बात है, आप चिंता मत कीजिए, ये ला तुम्हारी, तो तुम चाहते हो कि मैं आयरन स्पाइडर ना बनूं, मैं बनूंगा किड आयरन स्पाइडर और मैं बन के रहूंगा, ये ला, क्योंकि मेरे पापा को भी तो मुझे बचाना है इस मोटे रेड हल्क से, ये ला। क्या ही मार रहा हूँ दोस्तों इनकी, तो मैं बैंड बजा रहा हूँ, मजा ही आ गया, काफी फन है इसमें तो। पहले मैं मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन अब तो मजा ही आ रहा है सारी चीजें करते में। मेरे हिसाब से इतना पीटना ठीक रहेगा, चलो एक दो और मारते थे, वैसे भी कौन देख रहा है तो एक क्रिमिनल सी। चलो काम करते हैं, स्पाइडरमैन भैया के पास जल्दी चलते हैं और उनसे पूछते हैं अब हम कैसे बनेंगे और ज्यादा खतरनाक गॉड लेवल के आयरन किड स्पाइडरमैन। बच्चे तुम्हें असल में उसके लिए और भी ज्यादा कमाल की चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जल्द से जल्द आप ही बता दीजिए प्लीज। मैंने एक चीज नोटिस किया है, अभी तुम अपनी लड़ने की और उड़ने की शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सामने जो तुम्हें बोर्ड दिख रहे हैं तुम्हें एक एक करके उन सब पर उड़ते समय कूदना होगा, अगर तुमने एक भी मिस किया तुम वहीं फेल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारे पीछे भूखे एलियन छोड़ दूंगा। अरे यार ऐसे मत डराया करो। ठीक है गाइस जल्दी जाता हूँ, अगर मुझे भूखे एलियंस का शिकार नहीं बनना है तो मुझे इस बोर्ड पे आराम से लैंड करनी होगी। मैंने पहले भी कर दिया, दूसरे पर भी चलता हूँ। चल बेटा डांटे तू कर सकता है, फाइनली ये भी कर दिया मैंने, और चलता हूँ आराम से। नहीं, शुक्र है गाइस बच गया, नहीं तो अभी मर जाता मैं, मुझे काफी डर लग रहा है। चलो बस हो गया, ये भी हो गया लास्ट वाला, और इसके बाद ये भी कर दूंगा मैं। वाह बच्चे तुम अच्छा कर रहे हो। जी सर मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप डराएंगे ऐसे तो करूंगा ना। अच्छा मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन? मैं कुछ समझा नहीं। फिलहाल तुम अभी निशाने लगाओ, असल में तुम्हारा एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है गॉड रिचायरमेंट से। क्या गॉड रिचायरमेंट से मेरा मुकाबला? तभी तो तुम बिकमिंग बन पाओगे, वो भी लेवल के किड वाले आयरन हल्क। आयरन हल्क थोड़ी ना बनना है, मुझे आयरन स्पाइडर बनना है। हाँ ठीक है ना, तो आयरन स्पाइडर बन जाना, फिलहाल निशाने लगाओ। ठीक है कर रहा हूँ, खुद ही कंफ्यूज कर रहा है गाइस ये रोबोट, पता नहीं किस तरह का अजीब रोबोट है। कोई नहीं मुझे निशाने तो लगाने पड़ेंगे। अरे पता नहीं अब गॉड रिचायरमेंट से कैसे लड़ूंगा मैं, काफी डर गया मैं तो। बहुत बढ़िया बच्चे तुमने काफी अच्छा किया, मैं काम करता हूँ अब टोनी सर को कॉल लगा देता हूँ, वो अपना गॉड रिचायरमेंट का सूट भेज देंगे, उसके बाद तेरा बैटल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैं इंतजार ही कर रहा हूँ। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा ना, तूने इस बच्चे को जिंदा कर दिया, ऊपर से इसका बाप भाग गया। अरे छोड़ मुझे नहीं तो टोनी सर को बुलाऊंगा। अरे टोनी क्या कर लेगा, वो तो खुद मेरे पैसों के नीचे दबा पड़ा है, अभी देखा जाता हूं तुझे। अरे गाइस ये क्या, वो रोबोट कहां चला गया? अरे गाइस नहीं, हालांकि वो रोबोट था लेकिन मेरी काफी अच्छा दोस्त था, और वो रेड हल्क उसको कैसे ले जा सकता है, मुझे उसको ढूंढना होगा, नहीं तो गाइस मैं फिर से लावारिस हो जाऊंगा, मुझे किसी भी तरह से उसको ढूंढना ही पड़ेगा। अरे गाइस एक महीना हो चुका है, एक महीना हो गया और अभी तक मुझे गॉड आयरन स्पाइडर का कुछ पता नहीं चला। जी कौन है? आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, छुपने का कोई फायदा नहीं है। अरे गाइस इसने देख ही लिया है तो छुप के क्या करूंगा अब मैं। अरे बच्चे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, असल में इसने मुझे ऑलमोस्ट डेड कर दिया है, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स इसने निकाल के भेज दिए हैं, मैं बिल्कुल लोकल बच्चा हूँ, अब मुझ में चलने जितनी शक्तियां भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए और आयरन स्पाइडर भैया, मैं आपको बचा लूंगा क्योंकि मैं बहुत जल्द बनने वाला हूँ,
किड आयरन स्पाइडर। सपने तो देखो इस बच्चे का, इतनी उम्र नहीं जितने सपने देखता है। अरे बाप रे क्यों मार रहा है? क्योंकि तू मुझसे लड़ने की बातें कर रहा है। ये रहे गाइस, इसको जल्दी जल्दी हराते हैं मोटे को। ये रहे, ये बकवास करता रहता है। हट यहां से गाइस, पीट रहा हूं मैं इसको। ये रहे देख दो। अरे प्लीज माफ कर दे। नहीं करूंगा, मुझे किड आयरन स्पाइडर बनना ही होगा। तो गाइस फाइनली मैंने डिफीट कर दिया है मोटे रेडल को। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। अब चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर हम बन जाते हैं गॉड आयरन स्पाइडर किड। बहुत बढ़िया बच्चे, टोनी सर जब तुमसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। क्या बात है, तो आप मुझे टोनी स्टार्क से मिलवाएंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें पीटर पार्कर से मिलवाऊंगा। अरे गाइस चलो जल्दी चलते हैं, मजा ही आ गया। बाकी स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहे हैं वो देख लो। थैंक यू सो मच।